हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। अगेन विलियम फॉकनर के 30 एमसीक्यू हम कवर करेंगे। इसके पहले जस्ट हमने इन्हीं के 40 एमसीक्यू कवर किए थे, इनके वर्क्स, इनके नॉवेल्स एंड इनकी बायोग्राफी से। एंड आज हम इनके क्वेश्चन सेम देखेंगे, प्लस कुछ हटके क्वेश्चंस होंगे एंड इनकी शॉर्ट स्टोरीज से भी कलेक्शन से हमको मिलेंगे। विलियम फॉकनर के बारे में बता देते हैं आपको, नोबेल प्राइज विनर है, दैट इज़ वाई दिस ऑथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सिलेबस। नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1949 में, 2 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हैं एंड नेशनल बुक अवार्ड्स भी इनको 2 टाइम्स मिला है, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। 20 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, मॉडर्निज्म को है, अमेरिकन राइटर है, कंट्री अमेरिकन, सेंचुरी 20, अमेरिकन कंट्री जो है अमेरिकन राइटर कहलाते हैं, उसमें भी ये साउदर्न एरिया के कहलाते हैं, साउदर्न अमेरिकन राइटर। मिसिसिपी यूएस से इनका नाम स्पेशली जोड़ा जाता है। इनका जो लाइफ स्पैन है 1897 से लेकर 1962, ये इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। मिसिसिपी यूएस में इनका जन्म हुआ है एंड मिसिसिपी यूएस में ही इनकी डेथ हुई है, बट न्यू अल्बेनी बॉर्न प्लेस है न्यू अल्बेनी एंड डेथ प्लेस इज बाय हेलिया, ओके। मेनली ये जाने जाते हैं नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के थ्रू, अदरवाइज इन्होंने एसेज भी लिखे हैं, पोएट्री और राइट नॉवल प्ले राइट भी हैं, ये स्क्रीन प्ले भी लिखा है। इनके कई वर्क्स पे मूवीज भी अडेप्ट हुई हैं, ओके। तो अवार्ड्स अचीवमेंट्स इनके हो जाएंगे वर्क से, इनका फुल नेम, सेंचुरी, कंट्री, ये सारे रहेंगे। कंट्रोवर्सी भी रही, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स अभी कुछ जैसा कि हमारे यूपी पीजीटी के सिलेबस में है ये, ओके, तो देख लेते हैं इनके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिया है, बॉर्न के नाम पर बनता है ये यूएस भी आ जाएगा, कंट्री यूएस है, स्टेट मिसिसिपी है एंड जो प्लेस है वो न्यू अल्बेनी है, कह सकते हैं हम सिटी कह लो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ले लिया है कि आप बार बार इसको देखें तो आपको कंप्लीट रहे, इजी रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज विलियम फॉकनर बॉर्न। लास्ट लेसन में मैं बताना ही नहीं बता पाई थी कि जो उनका नाम है एक्चुअल नेम में FALKNER है, ठीक है, यू नहीं था, टाइपराइटर की मिस्टेक से जब इनका ये नाम टाइप हो गया था तो इन्होंने इसे कभी चेंज नहीं किया, यू ऐड ही कर लिया था, FALK अदर ऐसे। तो ये एक बनता है फैक्ट इनके बायोग्राफी से, इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे हम पढ़ें किसी की लाइफ के, तो ये भी है एक फैक्ट। तो बॉर्न जो प्लेस है मिसिसिपी, ओके, यूएस। व्हेन वाज ही बॉर्न, कब हुआ इनका जन्म, 1897, आंसर इज 1897, 25th of September 1897 इन न्यू अल्बेनी मिसिसिपी यूएसए। विच यूनिवर्सिटी डिड फॉकनर अटेंड, तो यूनिवर्सिटी में आप देख लेंगे दो ऑप्शन में, सारी ऑप्शन में मिसिसिपी लिखा है क्योंकि बच्चे इसी पे फोकस करके लगा देंगे, बट करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी, ये प्रेस नहीं है, बाकी जो भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इन्होंने अटेंड किया था, ज्वाइन किया था। What was the name of his fictional county? Fictional county जैसे मैंने बताया है, जैसे कोई एक place होता है जिसको ये use करते हैं अपने novels में, setting बताते हैं उस place में ही वो घटनाएँ घट रही है, वो एक जगह, एक imaginative place कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारे आर के नारायण जी मालगुड़ी प्लेस यूज़ करते थे, थॉमस हार्डी का वेसेक्स आता है, रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं। इन द सेम वे ये कौन सा प्लेस यूज़ करते थे, काउंटी मीन्स होता है कोई जिला, टेरिटरीज, प्लेस ही है, तो ये यूज़ करते थे योकना पाटवा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सर्विस का क्वेश्चन है इनके लिए, फिक्शनल काउंटी, विच फिक्शनल काउंटी ही यूज्ड, नेम क्या है उसका, योकना पाटवा। विच फॉकनर्स नॉवल वॉज पुट टू द स्क्रीन, स्क्रीन या मूवी, कौन सी मूवी बनी इनकी, किस नॉवल पे बनी, सेंचुरी जो इनका नॉवल है इस पर मूवी का अडेप्टेशन हुआ था। और पहले तो नॉवल बताते हैं, ये नॉवल इनकी पब्लिश हुई थी 1931 में, ओके। और ये जो नॉवल है अबाउट द रेप एंड एबडक्शन ऑफ अ वेल ब्रेड कॉलेज गर्ल, मिसिसिपियन कॉलेज गर्ल, जिसका नाम होता है टेम्पल ड्रैक। सेंचुरी में एक लड़की होती है इस नॉवल में, कैरेक्टर टेम्पल ड्रैक, ठीक है, तो उसकी कहानी है। और जो मूवी बनी थी, स्क्रीन हुआ था जिसका, मूवी बनी थी, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक। वो जो मूवी बनी थी 1933 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ फॉकनर्स वर्क। हर राइटर्स का एक मूवमेंट होता है, एक लिटरेरी एज से कनेक्टेड होते हैं, ये कौन से, मॉडर्निज्म से कनेक्टेड है ये। फॉकनर्स का जो वर्क है उसमें मॉडर्निज्म देखने को मिलेगा हमको, इनका लाइफ स्पैन जैसे कि हम देख रहे हैं
ठीक है, 1897 से लेकर 1962, तो ये मॉडर्निज्म में ही काउंट होंगे। व्हाट इज़ द फॉकनर्स मिडिल नेम, फॉकनर्स का मिडिल नेम क्या है? विलियम कदबर्ट फॉकनर, दिस इज़ द फुल नेम ऑफ विलियम फॉकनर और मिडिल नेम इनका कदबर्ट है। नेक्स्ट इज विच अवार्ड डिड विलियम फॉकनर विन। जैसे ये मिडिल नेम का क्वेश्चन आया है तो ये जस्ट और जस्ट अवेयरनेस पे आया है, क्योंकि जब भी आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे कहीं भी तो हर पढ़ाने वाला या आप सर्च करोगे बुक में लिखा ही मिलेगा इनका फुल नेम, पर आपने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, ये हो जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कोई याद नहीं कराता है कि इनका मिडिल नेम याद कर लो, आपने पढ़ा है, आपके आपने उस पर अटेंशन दिया कि नहीं। विच अवार्ड डिड विलियम फॉकनर विन, कौन सा अवार्ड जीता? नोबेल प्राइज़ जीता था, बताया ही है, और बाकी ये नहीं है इसमें पुलित्ज़र लिखा होता, नेशनल बुक अवार्ड लिखा होता तो हम ऑल पे लगा देते, बट नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था स्टूडेंट्स इन 1949 में। When was William Faulkner born? फिर से born का question आया है, but options अलग है यहाँ पर, केवल साल नहीं लिखा है, पूरा ही date लिखा है, तो 25th of September 1897 is the correct answer. Next question is where was William Faulkner born? अब कहाँ, यहाँ पर देखो Mississippi नहीं लिखा है, मैंने लिए इसीलिए question, New Albany लिखा है, तो the William Faulkner born in New Albany, Mississippi, USA. दिस इज़ द फुल, अब ये लिखा हो तो करेक्ट है, ये लिखा है तो भी करेक्ट है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरफोर्स डिड विलियम फॉकनर ज्वाइन, कौन सी एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था? करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। विच नावल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929 में इनका कौन सा नावल पब्लिश हुआ था? द साउंड एंड द फ्यूरी, मोस्ट फेमस पॉपुलर, जिसकी वजह से इनको नेम फेम सब मिला, 1929 में पब्लिश हुआ था, इनका फोर्थ नावल है ये। एंड विच नावल ऑफ विलियम फॉकनर इज़ अबाउट पायलट, इनका कौन सा नावल है जो पायलट्स के बारे में है? आंसर इज़ पायलन, ओके, ये जो उनका वर्क है पायलन नॉवल है और 1935 में पब्लिश हुआ है, पायलट्स के बारे में है, और इस नॉवल में भी योगना पाटवा काउंटी की सेटिंग दिखाई है, ओके, यूज़ किया है उसको। विच डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए सेंट विलियम फॉकनर टू जापान, इनमें से किस डिपार्टमेंट ने इनको भेजा था जापान? तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए सेंट विलियम फॉकनर टू जापान, स्टेट डिपार्टमेंट है, करेक्ट आंसर स्टेट। बायोग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, जब वो कई सारे राइटर्स को उनको हमारे सिलेबस में है तो किसी के वर्क से क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी की बायोग्राफी से ज़्यादा पूछ लेते हैं, हमको सारा ही पढ़ना होता है, ठीक है। व्हेन डिड विलियम फॉकनर डाई, डेट मृत्यु कब हुई इनकी? तो 6th of July 1962 इज द करेक्ट आंसर, प्लेस था इनका बी वाई एच ए एल आई ए बैलिया मिसिसिपी यूएस। वेयर डिड, वेयर आ गया ना, वेयर कहाँ हुआ इनकी डेथ हुई, कहाँ थी? तो ये जो बैलिया जो प्लेस है इन मिसिसिपी यूएसए में इनका डेथ हुआ था, तो ये दो प्लेस न्यू अल्बेनी एंड बैलिया हमको याद रखना, बाकी मिसिसिपी यूएसए तो है ही। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ थॉमस स्टपैन एज इट्स हर्ट इज द मिस्ट्री ऑफ मर्डर, दिस नॉवल, तो बता रहे हैं कैरेक्टर का नाम बता दिया इन्होंने थॉमस स्टपैन करके, और इसकी कहानी है कौन से नॉवल में है, ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सलम एंड एब्सलम, क्योंकि ये जो है 1936 में पब्लिश हुआ है इनका ये वर्क एब्सलम, और इसी में ही हमको इनकी कहानी मिलेगी, किन की कैरेक्टर मिलेंगे, थॉमस स्टपैन, ठीक है, ये सेंट्रल फोकल कैरेक्टर होते हैं इसके, फोकल मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर, एब्सलम एब्सलम में है, करेक्ट आंसर इज एब्सलम एब्सलम, 1936 पब्लिशिंग ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर से इसलिए क्वेश्चन बनते हैं, जब वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसके कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक स्पीच है, इन्होंने दी थी, कहाँ दी थी वो है, पहले पढ़ लेते हैं और ऑप्शन देख के सारी बता देंगे। द यंग मैन और वुमेन राइटिंग टुडे हैज़ फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन कन्फ्लिक्ट विद इट्स सेल्फ विच अलोन कैन मेक गुड राइटिंग बिकॉज ओनली दैट इज़ वर्थ राइटिंग अबाउट वर्थ द एगोनी एंड द स्वेट वेयर इज़ दिस क्वेट फ्रॉम दिस क्वेट इज़ फ्रॉम नोबेल प्राइज स्पीच स्टॉकहोम December 10, 1950 ये जो इनकी स्पीच है नोबेल प्राइज स्पीच थी इनकी जो उनको मिला था 1949 में
पब्लिश्ड इन 1991 द बायोग्राफी ऑन फॉकनर टाइटल फॉकनर अ बायोग्राफी वॉज रिटन बाय होम। इनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी जिसका टाइटल था फॉकनर अ बायोग्राफी, जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी। इनकी बायोग्राफी, इनका कोई वर्क नहीं, इनकी बायोग्राफी किसी और ने लिखी थी इनकी लाइफ के बारे में। तो उसके राइटर कौन है? जोसेफ प्लॉटनर, जोसेफ प्लॉटनर, फॉकनर अ बायोग्राफी। हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉकनर्स नॉवल? एब्सलम, एब्सलम। तो इनकी नॉवल्स के सब्जेक्ट पूछ लिया है, सब्जेक्ट्स और मेन कैरेक्टर कह सकते हैं इनके। एब्सलम, एब्सलम में कौन है वो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, दो मेन सब्जेक्ट हैं। सो द आंसर इज सस्पेंस एंड कॉम्सन्स। तो इनका फुल नेम है थॉमस सस्पेंस एंड ये है क्विंटिन कॉम्सन्स। ये सब्जेक्ट्स हैं इनके एब्सलम, एब्सलम में। और एब्सलम कब पब्लिश हुआ था इनका? 1936 में पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क। कैरेक्टर से आ गया क्वेश्चन। एग्नेस टी मिले क्रिएटेड अ बैले बेस्ड ऑन विच फॉकनर शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये है अमेरिका के फेमस कोरियोग्राफर डांसर, ओके, एग्नेस टी मिले। इन्होंने बैले डांस होता है ना, तो एक बैले डांस क्रिएट किया था इनकी किसी स्टोरी पर, मतलब उसको लेकर, उसके ऊपर, ठीक है। तो वो स्टोरी कौन सी है? स्टोरी है रोज फॉर एमली। शॉर्ट स्टोरी अ रोज फॉर एमली पब्लिश्ड इन 1930 किसकी है? विलियम फॉकनर की। पहले तो हम ये याद कर लें। हाँ, तो इस पर ये जो थे अमेरिकन डांसर ने एक बैले तैयार किया था, क्रिएट किया था। बैकग्राउंड पता नहीं हो तो क्वेश्चंस ऊपर से निकल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें पता ही होना चाहिए उनका बैकग्राउंड। इन द शॉर्ट स्टोरी अ बेयर हंट 1934 पब्लिश्ड ओरिजिनली इन द सैटरडे इवनिंग पोस्ट, व्हाट डिड ल्यूक हैव? शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके। आ बियर हंट इनकी शॉर्ट स्टोरी है, 1935 में पब्लिश हुई थी। कहाँ? सैटरडे इवनिंग पोस्ट जर्नल में पब्लिश हुई थी, बता दिया, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर है ल्यूक, तो ल्यूक को क्या होता है उसमें? हैव। बियर हंट में कैरेक्टर है ल्यूक, बियर हंट इस शॉर्ट स्टोरी है फॉकनर की, 34 पब्लिश हुआ था, कैरेक्टर है ल्यूक। ल्यूक को प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, वो क्या होता है? सो द आंसर इज द हिकप्स। हिकप्स मीन्स हिचकी, हिचकी आती थी उसको, ल्यूक को, ठीक है। इसलिए तो पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अभी तो बनते हैं। तो ल्यूक को क्या था? हिकप्स की प्रॉब्लम था, हिकप्स, हिकप्स होता था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सार्टोरिस 1929 पायलट जॉन सार्टोरिस डाइज इन अ प्लेन क्रैश, विच एपिटाफ डिड फॉकनर्स राइट फॉर सार्टोरिस इन द नॉवल? ये इनकी नॉवल है सार्टोरिस, 1929 इज द पब्लिशिंग ईयर। इसमें होते हैं पायलट जॉन सार्टोरिस इसके मेन कैरेक्टर, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, इन विच नॉवल पायलट है जॉन सार्टोरिस जिनकी डेथ हो जाती है। जॉन लिखते हैं वो, खाली सार्टोरिस नहीं लिखेंगे अगर उनको ज़्यादा पूछना है घुमा के, उलझा के, तो ठीक है। तो प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, तो एपिटाफ क्या लिखते हैं उनके लिए? एपिटाफ यानी कि उनकी याद में कुछ दो लाइन उनकी ग्रेव पे, उनकी कब्र पे लिख दी जाती है, समाधि पे लाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा आई बेयर हिम ऑन ईगल विंग्स एंड ब्रॉट हिम अन टू मी। ये लाइन्स इन्होंने, विलियम फॉकनर ने जॉन सार्टोरिस की एपिग्राफ के रूप में लिखी थी, आई बेयर हिम ऑन ईगल्स विंग्स एंड ब्रॉट हिम अन टू मी। तो सार्टोरिस हमारे यहाँ क्लियर हो रहा है इनका जो वर्क है, ठीक है, पब्लिश हुआ था 1929 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉकनर्स शॉर्ट स्टोरीज वॉज मेड इन टू अ मूवी ऑफ द सेम नेम इन 1972? चलिए, इनकी कौन सी शॉर्ट स्टोरी है इनमें से जिस पर मूवी बनी थी उसी सेम नेम से, ठीक है। अब जैसे कि जो सेंचुरी है, सेंचुरी नॉवल पे जो मूवी बनी थी, तो वो उसका टाइटल कुछ और था, कैरेक्टर के नेम पे था। सेंचुरी मूवी पे जो सेंचुरी नॉवल पे जो मूवी बनी थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक, ठीक है, ये बता चुकी हूँ ना मैं। तो अब इस शॉर्ट स्टोरी पे जो मूवी बनी थी उसका नाम सेम ही था, वही जो शॉर्ट स्टोरी का नाम था, पब्लिश हुई थी वो मूवी बनी थी 1972 में, और जोसेफ एंथनी एंड ने बनाई थी, वो डायरेक्टर थे, रॉबर्ट ड्यूवेल उसके हीरो थे। इतनी होगी कहानी। तो हमें आपको शॉर्ट स्टोरी का नाम बताना है, तो करेक्ट आंसर इज टोमैरो, टुमारो इज द करेक्ट आंसर, जिस पर इनकी मूवी बनी थी, विच शॉर्ट स्टोरी दैट इज टुमारो एंड विच नॉवल दैट इज सेंचुरी, ओके। टुमारो पे जो मूवी बनी थी उसका नाम टुमारो ही था, एंड सेंचुरी नॉवल पे जो मूवी बनी थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक। क्लियर हो रहे होंगे आपके बार बार सुन के आंसर्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ फॉकनर्स फर्स्ट नॉवल? फर्स्ट नॉवल क्या है इनकी? सोल्जर्स पे। सोल्जर्स पे इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर, एंड सोल्जर्स पे इनकी फर्स्ट है, एंड द रिवर्स इनकी लास्ट नॉवल है, ठीक है। सोल्जर्स पे जो पब्लिश हुई थी 1926 में, कब पब्लिश हुई थी?
1926 में, और जो इनकी रिवर्स है लास्ट नॉवल है पब्लिश्ड हुई थी 1962 में, और 62 में ही इनकी डेथ हुई थी। थोड़ा सा आप लोग ट्रिक देखें, 2 और 6 को अपोजिट कर देंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप, ये तो मेरा पर्सनल रहता है, टिक लगा लेते हैं। वाई वाज फॉकनर रिजेक्टेड फ्रॉम द US आर्मी? ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को तो इन्होंने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन दोनों आप मिक्स ना करिएगा, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि कौन सा एयरफोर्स ज्वाइन किया था, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। बट US, यहाँ अमेरिका, वहाँ ब्रिटिश था, ये US है, US ने इन्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया था? नहीं आए थे उस आर्मी में, टू शॉर्ट, हाइट की वजह से नहीं लिया गया था इन्हें, ठीक है। फॉर विच मेजर मोशन स्टारिंग हम्फ्री बोगार्ट डिड फॉकनर राइट द स्क्रीन प्ले? कौन सा मेजर मोशन के लिए, मोशन यानी यहाँ मूवीज़ की बात चल रही है, कौन सी मूवीज़ के लिए जिसमें स्टार थे, हीरो थे हम्फ्री बोगार्ट? हम्फ्री बोगार्ट US के, अमेरिका के बहुत फेमस एक्टर हैं, थे हैं, आई डोंट नो। तो हम्फ्री बोगार्ट उसमें थे, उस मूवी में, और उस मूवी के लिए फॉकनर ने लिखा था स्क्रीन प्ले, उसकी स्टोरी लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आंसर इसका है द बिग स्लीप, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये स्क्रिप्ट राइटर भी थे, स्क्रीन प्ले मूवीज़ की स्टोरीज लिखी हैं। तो कौन सी मूवीज़ की लिखी है, द बिग स्लीप का लिखा है ना, द बिग स्लीप मूवी की स्टोरी स्क्रीन प्ले इन्होंने ही लिखा है, जिसमें कि हम्फ्री बोगार्ट मेन कैरेक्टर थे। वेयर वॉज फॉकनर फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, बॉर्न पूछ लिया था या फॉकनर फ्रॉम कहाँ से, तो मिसिसिपी, ये आएगा बार बार इनका नाम, इसमें इस स्टेट का नाम। विच नॉवल क्लेम्स टू बी अबाउट इट्स ऑथर्स 4-year अफेयर विद फॉकनर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी नॉवल ये क्लेम करती है कि उसके जो ऑथर हैं, उसकी जो ऑथर है उनका इनके साथ 4 years का अफेयर रहा, ठीक है। वो जो लेडी थी उन्होंने अपनी एक नोवेल में लिख कर ये क्लेम किया है, तो आंसर उसका हो जाएगा द विंटरिंग। देखो द विंटरिंग नोवेल का नेम है, एंड जोन विलियम्स जो थी ये बता रही हैं अपनी इस नोवेल में इनके साथ अपने अफेयर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जॉन विलियम्स के साथ इनका नाम जोड़ा गया था, और द विंटरिंग नोवेल भी फिर आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है, जो कि जॉन विलियम्स ने लिखी थी और इनके लिए लिखी थी, विद फॉकनर्स, कनेक्टेड विद फॉकनर्स। विच ऑफ द फॉकनर्स नॉवल्स वॉज हिज लास्ट नॉवल इज द रिवर्स? पब्लिश्ड कब हुई थी, 1962 में, ओके 1962, और जो कि इनका डेथ ईयर भी है, इन द सेम ईयर इनकी डेथ हुई थी, ऑन 6 जुलाई 1962। तो इनका लास्ट नॉवल द रिवर्स है। व्हाट स्टाइल ऑफ राइटिंग डिड फॉकनर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय? कौन सा इनका स्टाइल था राइटिंग का? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपने किसी लेसन में बहुत ही अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, वैसे तो हम लोग स्टोरी लिखते हैं, राइटर्स होते हैं सोच के या फिक्शनल नॉन फिक्शनल वे में लिख देते हैं, बट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वो होता है जो कैरेक्टर है ना, जो सच में माइंड में उसके सोच रहा है, एक्चुअल में जो होता है, क्या सोच कुछ रहे हैं फिर उसको बना के मुंह से बाहर निकलती है, बट एक्चुअल में जो मन में ही चल रहा होता है ना, वही लिख दिया जाता है, दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यही होता है, और इनका ये विशेषता थी, लिखते थे इसमें ये। वेयर इज़ फॉकनर ब्यूरीड? ब्यूरीड इनके मतलब कि जो अंतिम संस्कार होता है वो इनका कहाँ हुआ था, प्लेस पूछ लिया यहाँ पे। तो आंसर इज सेंट पीटर सिमेट्री इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड याद रखना है, ऑक्सफोर्ड, अगर सिर्फ ऑक्सफोर्ड लिखा हो तो भी, बाकी ये सेंट पीटर सिमेट्री ऑक्सफोर्ड में इनको ब्यूरीड हुआ था, इनका किया गया था वहाँ पे। हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म, और हो गए 33 क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में 40 थे टोटल, फॉकनर के 72 से 73 प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट ढेर सारे जो मैंने आपको बताए विद द आंसर्स, ओके। तो विलियम फॉकनर, आई होप कि आपको इनसे इन दोनों लेसन से विलियम फॉकनर्स को कवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पिछले वीडियो में मैंने इनके स्पेशली सारे अवार्ड भी बताए थे एंड वर्क्स भी बताए थे, तो वो भी आप देख लें, इसके जस्ट पहले वाला लेसन ही है वो। और मैं यहाँ भी बता देती हूँ, इनको जो 2 अवार्ड मिले थे पुलित्ज़र प्राइज़, तो एक तो मिला था इनको 1955 में, ओके, और एक पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला था 1963 में आफ्टर डेथ। तो 55 में जो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, फेबल के लिए मिला था, फेबल, ठीक है, ये उनका वर्क है फेबल के लिए मिला था, और फेबल के लिए ही 1955 में इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था। 1963 में जो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था वो रिवर्स के लिए मिला था, जो इनका लास्ट वर्क था ना रिवर्स, उसी के लिए मिला था। नेशनल बुक अवार्ड भी 2 times मिला था, और नोबेल प्राइज़ इनको 1949 में मिला था। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे विलियम फॉकनर्स, विलियम कथबर्ट फॉकनर इज इन फुल नेम, ओके, मिसिसिपी US को बिलोंग करते हैं, नोन फॉर इस नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी। योकना पार्ट फा का नाम ना भूलें, जो इन्होंने अपने रीजनल
रीज़न जो इन्होंने यूज़ किया है अपनी कई नॉवल्स में, योकना पाटवा काउंटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड प्लीज़ ये जो भी लेसन्स हैं जिनके लिए भी नीडी हैं, नीडफुल हैं, ज़रूरी हैं, या जिनकी ये हेल्प कर सकते हैं ये लेसन, आप उनको ये प्लीज़ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।